स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस वीडियो में आपको नॉलेज मिलेगा, यानी ये जो नोटिस है, ये जो नॉलेज है न्यूज़पेपर में भी निकला है और आप नहीं देखे हैं तो इसको विधिवत ध्यान से देखें, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। यानी कहने का मतलब है कि 68 लाख युवाओं को दिसंबर से मिलेगी टैबलेट और स्मार्टफोन। तो ये हमारे योगी सरकार ने ऐसा आदेश दिया है। तो योगी सरकार का दावा जिम पोर्टल के जरिए होगी और खरीद और नवंबर से शुरू हो जाएगी आपूर्ति। यहाँ पे एक और देखें तो पुलिस कर्मियों का पौष्टिक आहार भत्ता 25% बढ़ गया है और मोबाइल भत्ता भी मिलेगा उनको। और यहीं पे एक और न्यूज़ है कि विद्यार्थियों का जो डाटा फीस करने के लिए जल्द लॉन्च होंगे पोर्टल, 90% युवाओं को मिलेगा टैबलेट। तो कैसे क्या होगा पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि उत्तर प्रदेश 68 लाख युवाओं को दिसंबर से टैबलेट या स्मार्टफोन मिलेगा और इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों को और प्रशिक्षित जो हैं उनको डाटा फीस करने के लिए जल्द पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। टैबलेट व स्मार्टफोन की खरीद जेम्स पोर्टल के जरिए की जाएगी। प्रदेश सरकार दावा है कि इसकी आपूर्ति नवंबर से शुरू हो जाएगी। औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों का डाटा फीड करने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय और विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की होगी। डाटा फीडिंग के बाद योजना के पात्र अभ्यर्थियों को टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने की जानकारी मोबाइल पर ही दी जाएगी। यानी पहले सर्वे होगा कॉलेज यूनिवर्सिटी और जो भी शिक्षण स्थान है वहाँ पर, तो वहाँ पे आपका रजिस्टर्ड होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको उस योग्य माना जाएगा, जिस योग्य अगर उस योग्य आप हैं तो आपको टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि टैबलेट या स्मार्टफोन खरीदने के लिए टेंडर के नियमों और शर्तों की कैबिनेट से मंजूरी कराया जाएगा। मंजूरी मिलते ही 7 दिन में टेंडर का कर दिया जाएगा। दिसंबर से इसका वितरण जो है शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय मानी सीम समिति इसके विवरण की रूपरेखा तैयार करेगी। तो यहाँ पे जैसा कि ये सभी चीज़ आप देख रहे हैं और यहीं पे 90% युवाओं को टैबलेट मिलेगा। तो इसमें अरविंद कुमार ने बताया कि 80 से 90% अब जो विद्यार्थी हैं उनको टैबलेट मिलेगा स्मार्टफोन, 10 से 20% विद्यार्थियों को ही मिलेगा स्मार्टफोन। अब यहाँ पे पुलिस कर्मियों का जो पौष्टिक आहार भत्ता 25% बढ़ाया गया है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। मोबाइल भत्ता भी मिलेगा और वहीं पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिस कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने इसका पौष्टिक आहार भत्ता 25% बढ़ाया है और वहीं पर मोबाइल भत्ता भी मिलेगा। तो ये सभी जानकारी है और सरकार शहीद के परिवार को भी बहुत सारी आपूर्ति करने के लिए यहाँ पे सुविधा दे रही है और कांस्टेबल को 275 व इंस्पेक्टर को 300 रुपये का भी लाभ मिलेगा। किस तरीके से लाभ मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आपको वेबसाइट पे जाके, यूपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पे जाके पता करना होगा और जो भी नॉलेज मिलेगा आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।